टोपोलॉजी में हमने मैट्रिक्स स्पेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे। लेट डी बी अ मैट्रिक्स ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। डिफाइन डी स्टेरिक ऑफ एक्स क्रॉस एक्स टू आर बाय डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई ओवर वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई इज अ मैट्रिक्स ऑन एक्स। हमने मैट्रिक्स स्पेस वाला टॉपिक में डिस्कस किया था कि किसी भी सेट को अगर मैट्रिक्स प्रूव करना हो तो हम उसके ऊपर चार एक्सियम सेटिस्फाई कराते हैं। अगर वो चार एक्सियम उस रिलेशन पे होल्ड हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि वो एक मैट्रिक है। यहाँ पे भी हम लोग सेम वही प्रोसीजर करेंगे। फर्स्ट एग्जाम हमने पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ पे भी डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जाम तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे भी इसका भी यही मतलब है ना कि नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका हम साथ रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा या ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा, ज़ीरो से लेस कभी नहीं हो सकता, यानी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फर्स्ट एग्जाम हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब हम सेकेंड एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम में हमने पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी उसको इफ़ एंड ओनली इफ के केस में हम उसका कन्वर्स भी करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास उसमें हमने डी ऑफ एक्स वाई पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई गिवन है, इसलिए हम डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई को लेंगे और इस रिलेशन को प्रूव करेंगे कि इसके ऊपर भी सेकेंड एग्जाम सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेकेंड एग्जाम था डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ एक्स वाई ओवर वन प्लस डी ऑफ, ये चीज़ हम असल में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें क्या पता चला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाएगा, पीछे ये चीज़ ज़ीरो की इक्वल बच जाती है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया, यहाँ से हमारे पास सेकेंड एग्जाम भी सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम थर्ड एग्जाम को प्रूव कर लेते हैं। थर्ड एग्जाम में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, यानी एक्स वाई को वाई एक्स रिप्लेस करके प्रूव करना होता है। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई, यही चीज़ मैं लिख रही हूँ, डी ऑफ एक्स वाई ओवर वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू डी ऑफ, अब एक्स वाई है तो थर्ड हम प्रूव करने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि वाई एक्स कर देंगे, डी ऑफ वाई एक्स ओवर वन प्लस डी ऑफ वाई एक्स। साथ लिख देते हैं सिंस डी इज अ मैट्रिक, हम जानते हैं कि डी एक मैट्रिक है, हमने बस उसके ऊपर एग्जाम सेटिस्फाई कराने हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ये एक मैट्रिक है, लेकिन हम उसके ऊपर अब एग्जाम लगा के देख रहे हैं कि ये वाकई में मैट्रिक है या नहीं। तो इसलिए थर्ड एग्जाम के लिए हम एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स कर दें तो हमारे पास थर्ड एग्जाम सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये चीज़ किसकी इक्वल है, डी स्टेरिक ऑफ ये एक्स वाई था ना, तो अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया यानी एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे भी एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स कर देंगे, यानी वाई को पहले लिख देंगे एक्स को बाद में, डी स्टेरिक ऑफ वाई एक्स। यहाँ पे हमारे पास थर्ड एग्जाम भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम फोर्थ एग्जाम को प्रूव करेंगे जिसमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होती है। मैट्रिक्स स्पेस के फोर्थ एग्जाम को प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें तीन वेरिएबल ज़रूरत होंगे, लेकिन यहाँ पे दो हैं एक्स वाई, इसलिए हम एक जेड खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई और जेड जो है वो उस नॉन एम्प्टी सेट एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू एक्स विच इज़ नॉन एम्प्टी। सो हमारे पास क्या कि मैंने डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई ओवर वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई। इसमें अब हमने जेड को भी इंट्रोड्यूस कराना है, तो अब देखिए हम कैसे करते हैं, डी ऑफ पहले एक्स जेड कर लेते हैं फिर जेड वाई कर लेंगे, इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डी स्टेरिक ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टेरिक ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल थी, एक्स वाई है, तो ये किसकी इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई ओवर वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे अगर एक्स जेड है तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स जेड ओवर वन प्लस डी ऑफ एक्स जेड, वन प्लस डी ऑफ एक्स जेड। सिमिलरली हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जेड वाई है तो जहाँ पे एक्स है एक्स की जगह पे जेड लिख देंगे और वाई की जगह पे वाई रहेगा, तो ये हो जाएगा डी ऑफ जेड वाई
ओवर वन प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, देखिए ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेट ऑलरेडी है। यहाँ पे हम जेड वाई को इंट्रोड्यूस कराएंगे और यहाँ पे एक्स जेड को कराएंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 है, ये ग्रेटर होता है 1/3 से, यानी डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आंसर उतना छोटा आएगा। इसका आप आंसर निकालें, इसका निकालें, ये ज़्यादा ग्रेटर होगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आंसर उतना छोटा आएगा, इसलिए यहाँ पे इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब हम लिख देते हैं कि ये वाला इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, देखें यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं। अब हम जब ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो चीज़ छोटी हो जाएगी, लेकिन ये बड़ा रहेगा, इसलिए मैंने इसके साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया है। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स सेट ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स सेट प्लस डी ऑफ जेड वाई। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक्स सेट नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक्स सेट कर देती हूँ, डी ऑफ जेड वाई, डी ऑफ जेड वाई ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स सेट प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, ये चीज़ मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, डी ऑफ एक्स सेट। देखिए अब डिनोमिनेटर से मैं सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, डी ऑफ एक्स सेट प्लस डी ऑफ जेड वाई ओवर ये चीज़ पूरा एलसीएम लिख देते हैं, 1 प्लस डी ऑफ एक्स सेट प्लस डी ऑफ जेड वाई। नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर इस टर्म के साथ न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कराऊँ तो ये चीज़ मेरे पास कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 1 के नीचे ये चीज़ रह जाएगी। ओके, अब ऊपर हमारे पास क्या रह गया था, 1 ओवर नीचे, अब 1 के देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए 1 के नीचे ये चीज़ आएगी। ठीक है, जब मैं इसके साथ डिवाइड कराऊंगी तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन 1 के साथ कुछ कैंसिल होने को नहीं है, इसलिए 1 के नीचे एज इट इज़, 1 ओवर डी ऑफ एक्स सेट प्लस डी ऑफ जेड वाई प्लस 1। ठीक है, प्लस के बाद मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगी इस चीज़ के साथ तो ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, 1 के साथ कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए 1 के नीचे रहेगी। ओके, ये मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको फर्दर प्रोसीड करती हूँ, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बच गई थी। ठीक है, अब हम जानते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होती है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। सिमिलरली अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगी 1 ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर, ये चीज़ सारी की सारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर में जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी वो चीज़ लेस हो जाएगी। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये चीज़ लेस होगी, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है इसलिए ये चीज़ ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ लिख देते हैं कि ये चीज़ ग्रेटर देन है 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ अब किसके इक्वल आ जाएगी, डी ऑफ एक्स वाई, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, डी ऑफ एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ पहले आ जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर डी ऑफ एक्स वाई और साथ 1 आ जाएगा, लेकिन मैंने 1 पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखा। ठीक है, जब ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर थर्ड टर्म फर्स्ट के पास चली जाती है, इसलिए ये थर्ड डिनोमिनेटर फर्स्ट के पास चला जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है, दिस इम्प्लाइज डी स्टेरिक ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टेरिक ऑफ जेड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी स्टेरिक ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा इसके ऊपर फोर्थ एग्जाम भी सेटिस्फाई हो चुका है। किसी भी सेट को, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर आपको मीट्रिक प्रूफ करने के लिए बोला जाए, आपने सिंपली उसके ऊपर 4 एग्जाम लगाने हैं, 1 बाय 1 सारे एग्जाम सेटिस्फाई कराने हैं और एंड पे वो मीट्रिक प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मीट्रिक ऑन एक्सटेंडेड रियल नंबर को प्रूव करेंगे। आज के लिए यही एग्जाम्पल है।